फर्स्ट ऑफ ऑल दोपहर में वीडियो बनाने बैठा लेकिन नहीं बना पाया, कुछ लोग आ गए थे घर के ऊपर। अभी शाम हो गई तो अपनी वीडियो को मैं अब जाके शूट कर रहा हूँ। तो देखो एक मूवी देख के आया हूँ आवेशम करके, सुबह 11 बजे का शो देखा था और सच बता रहा हूँ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये कैसी है, क्या है, इसके अंदर कौन कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं पता था। बस दोस्त ने बोला भाई आवेशम करके मूवी लगी, चल चेकआउट करके आते हैं। भाई हम लोग चले गए मूवी देखने के लिए, और जब मूवी देखने गए, जब टिकट ले लिया, तब पता चला ये जो मूवी हिंदी में नहीं है। भाई वहाँ पे इस मूवी को लेके मेरा और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से मूवी आई तो अक्सर जितनी मूवी आ रही तो हिंदी में आ रही। मुझे लगा पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई होगी, लेकिन पैन इंडिया रिलीज तो हुई है लेकिन हिंदी डब के अंदर रिलीज नहीं हुई ये मूवी, और मुझे काफी ज्यादा तकलीफ लगा। तो मैंने कब से कहा बहन चोद फिर हम देखेंगे कैसे ये मूवी जो हम हिंदी में देखते हैं, तो बहन चोद इस मूवी को हम लोग कैसे देखेंगे फिर, अब तो टिकट भी कटवा लिया। उसने कहा कुछ नहीं भैया, इससे पूछते हैं सब टाइटल होगा कि नहीं। फिर पूछा गया भैया आपके पास सब टाइटल है कि नहीं, उसने कहा हाँ है। हम लोगों ने बोला हिंदी वाला है कि नहीं, हिंदी वाला है। तब जाके जान में जान आई चलो हिंदी वाला सब टाइटल है तो फिर मूवी देखने में मजा आएगा। लेकिन बात करें ये मूवी के आवेशम जो मैंने देखी, वन सिंगल मैन इस मूवी के अंदर हम लोग को देखने मिलते हैं। फादर की ये सिंगल मूवी होने वाली है, मतलब पहली ऐसी मूवी जिसके अंदर बंदे ने सिंगल रोल प्ले किया है। तो देखो कैसी है मूवी, क्या ये तुमको देखनी चाहिए कि नहीं, सब चीज़ों बात करने वाले हैं। तो देखो मैं तुम लोग को पहले ये बता दूँ, फिल्म हॉल में जो मूवी मैंने आवेशम देखी है, ठीक है, मूवी से ज्यादा मेरा ध्यान भाई सबटाइटल के ऊपर था। और सर बता रहा हूँ ये पहली बार था मेरा, पहली बार भाई बता रहा हूँ, दोबारा अगर कभी हिंदी में नहीं आई तो मूवी चेकआउट नहीं करूंगा मैं। सही बता रहा हूँ, चाहे हॉलीवुड की हो या साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हो, हिंदी में नहीं रहेगी भाई मैं चेकआउट ही नहीं करूंगा मूवी। भाई मूवी से ज्यादा दिमाग तो इसी सबटाइटल के ऊपर लगाना पड़ता है भाई कि हाँ चलो ठीक है नीचे देखना पड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता भाई, एकदम मेरा दिमाग पक गया था। देखो बात की इस मूवी की स्टोरी की, तो देखो इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। तीन बंदे रहते हैं जो कॉलेज जाते हैं इंजीनियरिंग पूरी करने के, लेकिन वहाँ पे जो सीनियर रहते हैं वहाँ पे जाने के बाद इन लोग की काफी ज्यादा कुटाई कर लेते हैं भैया, जो रैगिंग वैगिंग चलती है हॉस्टल में वही सब होता है यहाँ पे। उसके बाद जो ये लोग रहते हैं ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बदला लेंगे, लेकिन वो बदला ले नहीं पाते, इसलिए वो एक गुंडे को भाई हायर करते हैं, मतलब जो उस एरिया का सबसे खतरनाक रहता है, उसका नाम रहता है रांगा। भाई मेंटल आदमी रहता है, पूरा का पूरा मेंटल आदमी रहता है वो। उसके बाद जो इससे डीलिंग होती है कि आपको हमारे साथ चलना है, ये बंदे हैं हमें जो मार रहे हैं उनसे हमारा बदला लेना है वापस। उसके बाद जो स्टोरी खत्म होती है इन तीनों बंदे की, और जो फादर की जो चालू होती है मेंटल वाली एक्शन, मेंटल डायलॉग, मेंटल कॉमेडी, मेंटल हर एक चीज चल रही है बंदे की। मेंटल इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से अपने आप को इन्होंने इस कैरेक्टर के अंदर ढाल के एक्टिंग की है भाई, लाजवाब है वो चीज़, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने अभी तक उनका नहीं देखा था। विक्रम में भी थे लेकिन इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन इसमें जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, हर एक सीटी बज रही थी भाई थिएटर के अंदर। मेरा जो थिएटर में गया था वो पूरा हाउसफुल तो नहीं था, लेकिन इतने बंदे थे कि जब भी कोई डायलॉग फाइट सीक्वेंस चल रहा है भाई पूरा थिएटर गुजगुजा रहा था एकदम, ये मतलब चिल्ला रहा था तुम लोग कुछ भी सोचने लगते हो यार। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग को बाद फास्ट फादर का जो हम लोग को बैक स्टोरी देखने को मिलता है वही सब आप लोग को इस मूवी में देखने होता है। देखो अगर बात करें हम लोग फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की, फर्स्ट हाफ के अंदर जो स्टोरी बिल्डअप होती है और सेकंड हाफ के एंडिंग में जो 40 मिनट जो एंडिंग रहती है वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है और वहाँ पर जो बेहतरीन वीडियो चलता है भाई, उसके बाद जो मारा पिटैया चल रही होती है वो देख के काफी ज्यादा मजा आता है। और जब भाई फाइट सीक्वेंस होती है ना वहाँ पे जब बंदा मारता है रंग, वो देख के काफी ज्यादा मजा आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली मूवी थी जिसको मैंने सबटाइटल के साथ देखा, वो भी थिएटर में सबटाइटल के साथ देखा, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे इस मूवी को देखने के बाद। मैं तुम लोग को एक चीज बोलूंगा ये मूवी को लेकर, फास्ट फादर की जो एक्टिंग है ना वो तुम लोग को इससे बढ़िया किसी मूवी में नहीं देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, स्लो मोशन में बंदा आ रहा है मेंटल हेल्थ, इसलिए इसका मैं बोलना चाहूंगा तुम लोग को, क्योंकि पूरा साइको वाला रोल प्ले किया है बंदे ने, जिस तरीके से मारता है, जिस तरीके से बुला के धोता है। और वो हॉस्टल वाली जो लड़ाई थी यार वो तुम लोग को भी काफी मजा देगा, मैं बता रहा हूँ। प्लीज एक बार ये मूवी को तुम लोग चेकआउट करो, हिंदी में नहीं है मुझे पता है तुम लोग को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होगा कि ये मूवी हिंदी में नहीं है यार, तो हम लोग देखने का फिर फायदा क्या हुआ। ट्रस्ट मी यार, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम लोग को, सबटाइटल है लेकिन तुम लोग देखोगे तो ठीक है उतना काम चल जाएगा, लेकिन तुम लोग को उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो सबटाइटल के साथ तुम लोग जा सकते हो थिएटर में, तो तुम लोग को काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस मूवी को देखने के बाद। हाँ मैं उन लोग बोलूंगा जब हिंदी डब में आ जाए यार, हिंदी डब में आती तो थिएटर में आती तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता उस दौरान को हिंदी डब में देखने के लिए, लेकिन अफसोस हिंदी डब में है ही नहीं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो ऐसे ही था भाई, सबटाइटल तो था हिंदी में, काफी अच्छा मेरा काम हो गया था इसलिए मैं बहुत ज्यादा सही था। मैं बोला भाई तेरा बहुत शुक्रिया यार उसका जो सबटाइटल हिंदी में चला दिया उसने, भाई बहुत सही था उसका। और भाई अब कभी भी टिकट कटवाओ मैं तो पहले पूछूंगा मलयालम मूवी का कि भाई हिंदी में है कि नहीं है। भाई हिंदी में नहीं होगा तो मैं देखूंगा नहीं, भाई मैं नहीं देख रहा भाई मूवी। बस तुम लोग एक बार बोलूंगा मूवी देखना प्लीज चेकआउट करो, फैमिली के साथ मत देखना ठीक है, हॉस्टल वाली लाइफ दिखाई जाती है तुम्हारे घर वाले तुम्हें भेजने से मना कर देंगे ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। फैमिली के साथ मत देखना ना, इसी में बेहतर है, वरना फैमिली के साथ देखोगे तो फैमिली कभी भी तुम लोग को इंजीनियर करने के लिए तो मस्त था सही में।
इंजीनियरिंग करने के लिए तुम लोग को कभी हॉस्टल में नहीं भेजेंगे। जाओ जाके देखो अपने पापा के साथ, पापा तुम लोग को शायद हो सकता है कि कुछ रहम आ जाए, इंजीनियरिंग करने से छोड़ दे तुम लोग को। ठीक है यार, तुम्हारा मन तुम जो भी करो, लेकिन यार फैमिली के साथ मत देखना, बस इतना बोलूँगा। मूवी को रेट करना हो तो पर्सनली 9.5 की रेट करूँगा आउट ऑफ 10 में से। काफ़ी अच्छा मूवी लगी मुझे, बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, हर एक चीज़ लो, डायलॉग ले लो, कॉमेडी ले लो, कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी चलती रहती है, हर डायलॉग पे आप लोग को हंसी आती है और पूरी मूवी के दौरान आप लोग को कॉमेडी देखने को मिलती है। तो प्लीज़ जाके तुम लोग देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर।